फ्रेंड्स, मैंने बनाए हैं ये सुंदर सी मिठाई दिवाली के लिए। और सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें ना तो आपको गैस जलाना है, ना तो घी या मावा, ना ही आपको दूध की जरूरत है। बस झटपट से बना लेना है, 10 मिनट के अंदर ये सुंदर सी दिखने वाली टेस्टी मिठाई चॉकलेट बर्फी। तो इसे मैंने कैसे बनाया है, तो चलिए बनाते हैं चॉकलेट बर्फी। हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ विमला। मेरे विदांत किचन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, दिवाली में हजारों काम होते हैं और ऐसे में आप झटपट मिठाई कैसे बनाएं, तो ये मैं आपको बताऊंगी कि आप चॉकलेट बर्फी कैसे बना सकते हैं इंस्टेंट। तो यहाँ पे मैंने बिस्किट लिया हुआ है, ये चॉकलेट बिस्किट है और ये ओरियो है। तो आप किसी भी चॉकलेट बिस्किट का यूज कर सकते हैं। तो इसमें जो ये क्रीम लगा हुआ है ना, इसे हम अलग कर लेंगे। इस तरीके से नाइफ की हेल्प से आप पूरी क्रीम को अलग कर लीजिए। तो मैं इसे अलग कर लेती हूँ। फ्रेंड्स, आपको ये रेसिपी जरूर से बहुत पसंद आएगी और आपके घर में बच्चों को भी बहुत ज्यादा पसंद आने वाला है। तो इसे आप झटपट से बनाइए, कोई गैस जलाना नहीं है, ना तो कोई झंझट है। आप झट से मिठाइयाँ तैयार कर सकते हैं और दिखने में भी काफी सुंदर रहेंगी, खाने में भी काफी टेस्टी रहेगा। तो इसकी आपको टेंशन नहीं लेनी है। ये देखिए, यहाँ पर मैंने बिस्किट के जो क्रीम है वो मैंने निकाल लिया है सारा। तो अब हमें क्या करना है कि एक ग्राइंडर जार लेना है और इन बिस्किट्स को हम तोड़ तोड़ के इसमें डाल देंगे और इसका हमें फाइन पाउडर तैयार करना है। इस तरीके से हम सारी बिस्किट को इसमें डाल देते हैं और इसका एक फाइन पाउडर तैयार कर लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, ये कितना फाइन पाउडर हो गया है। इस तरीके से हमें इसे पाउडर कर लेना है। तो चॉकलेट पाउडर हमारा रेडी है, तो हम इसे पहले साइड में कर देते हैं। और ये जो क्रीम हमने यूज किया है ना, ये क्रीम जो हमने निकाल लिया है, तो इस क्रीम का हमें एक व्हाइट डो रेडी करना है। तो इसमें मैं ऐड करूंगी मिल्क पाउडर। तो यहाँ पे 2 बड़े चम्मच मिल्क पाउडर है मेरे पास, तो इसे हम ऐड करेंगे और अच्छे तरीके से हमें इसे इस क्रीम में पहले अच्छे तरीके से इसे मैश कर लेना है। तो फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे लो कैलोरीज मिठाई बना रही हूँ, तो मैं इसमें एक्स्ट्रा चीनी बिल्कुल यूज नहीं करने वाली हूँ। और आप भी जितना हो सके इस फेस्टिवल लो कैलोरीज की मिठाइयाँ खाएं, कम से कम चीनी का यूज करें, हेल्थ के लिए ज्यादा अच्छा है। तो अब थोड़ा थोड़ा हम दूध का यूज करेंगे। दूध जो है नॉर्मल टेम्परेचर पे होना चाहिए, गर्म दूध आपको यूज नहीं करना है। बस थोड़ा थोड़ा करके एक दो चम्मच करके आप इसे यूज कीजिए और इसका एक फाइन डो रेडी कर लीजिए। तो बस अब मुझे दूध की जरूरत नहीं है और इसका ये जो डो है हम इसे अच्छे तरीके से रेडी कर लेंगे। फ्रेंड्स, ये डो रेडी है। अब हम इसमें थोड़ा सा घी लगाएंगे, तो घी लगाने से ये जो है आपके हाथों में चिपकेगा नहीं। तो बस थोड़ा सा आपको ऐसे घी लेना है और इस तरीके से सारा कुछ समेट लेना है। घी लगाने से मिल्क पाउडर जो है वो चिपकेगा नहीं और काफी अच्छा स्मूथ डो हमारा रेडी हो जाएगा बर्फी के लिए। तो यहाँ पे मिल्क पाउडर का डो रेडी है, तो इसे हम साइड में कर देते हैं। अब हम लेते हैं अपने इस चॉकलेट पाउडर को जो कि हमने बनाया हुआ है। तो इस चॉकलेट पाउडर को मैं इसी बोल में डाल देती हूँ। अब इस चॉकलेट पाउडर में मैं थोड़ा सा दूध ऐड करूंगी। थोड़ा थोड़ा दूध हमें ऐड करते जाना है, गीला नहीं करना है, इसका आपने ध्यान रखना है। और इसका भी एक हम स्मूथ डो रेडी कर लेंगे। फ्रेंड्स, यहाँ पर चॉकलेट पाउडर का डो हमारा रेडी है, तो थोड़ा सा हम घी लेके इसे अच्छे तरीके से इसे हम ग्रीस करके अपना डो जो है स्मूथ कर लेंगे। फ्रेंड्स, यहाँ पर चॉकलेट का डो रेडी है और यहाँ पे मिल्क पाउडर का डो रेडी है, तो चलिए चलते हैं हम अपनी स्पेशल बर्फी बनाने। फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं एक फॉइल ली हूँ और सबसे पहले हम व्हाइट डो को रेडी करेंगे।
तो यहाँ पे व्हाइट डो ले लेते हैं और इसे हम इस तरीके से रखेंगे व्हाइट डो को, और इसे हम बेलन की हेल्प से बेल लेंगे। तो बेलने के लिए मैं यहाँ पे ऐसे बटर पेपर का यूज कर रही हूँ। तो इस तरीके से हमें रखना है और जितना भी आपको मोटाई चाहिए उस हिसाब से आप इसे बेलिए। तो मैं इसे ज्यादा पतला नहीं करूंगी। तो ये देखिए, इसे हम इतना ही पतला करना है, हम इससे ज्यादा पतला नहीं करेंगे। और ये जो साइड में क्रैक्स आए ना, इसे हम इस तरीके से कर देते हैं। साइड के एजेस जो है वो कट जाएंगे, तो उसकी हमें टेंशन नहीं लेनी है। तो थोड़ा सा इसे मैं और पतला कर लेती हूँ। तो ये देखिए, ये परफेक्ट रेडी है। तो अब हम अपना दूसरा डो भी, यानी चॉकलेट डो भी हम इसी तरीके से रेडी करेंगे। इसे मैं साइड में कर देती हूँ। घी ऑलरेडी लगा हुआ है, तो आपको एक्स्ट्रा घी लगाने की जरूरत नहीं है। ये देखिए, इसके जो साइड के एजेस हैं, जो क्रैक हैं, उसे भी हम इस तरीके से सेट कर लेंगे। तो बस ये रेडी है, हम इसे ज्यादा पतला नहीं करने वाले हैं। अब हमें क्या करना है कि ये जो व्हाइट लेयर है उसके ऊपर हम ये चॉकलेट की लेयर को इस तरीके से रख देंगे। और ऊपर से हम ये बटर पेपर रखेंगे और इसे थोड़ा सा और बेल देंगे ताकि अच्छे तरीके से आपस में लिंक हो जाए। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये इस तरीके से आपस में अच्छे तरीके से सेट हो गए हैं। अब हम इसके साइड के एजेस को थोड़ा इस तरीके से करेंगे। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। तो कटिंग हमें किस तरीके से करनी है ये देखते हैं। तो फ्रेंड्स, इसकी हम कटिंग कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम इसके साइड के एजेस को कट करेंगे। कुछ इस तरीके से हम कट कर लेते हैं। नाइफ आपको शार्प यूज करनी है ताकि आपकी मिठाइयों का जो शेप है वो बिगड़े ना, इसका आपको ध्यान रखना है। इन्हें हम साइड में कर देते हैं पहले। अब हम इसमें तीन कट और लगाएंगे। और बीच से एक कट।
ये देखिए फ्रेंड्स, हमारी सुंदर सी मिठाई तैयार है। आप देख रहे हैं ना कितनी ब्यूटीफुल दिख रही है। तो चलिए अब हम इसकी प्लेटिंग करते हैं और मिठाइयों को थोड़ा डेकोरेट करते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारी प्यारी सी चॉकलेट बर्फी रेडी है और बहुत ही यमी और डिलीशियस बना है फ्रेंड्स। देखने में ही जितना टेस्टी और यमी दिख रहा है ना, तो बिल्कुल देखने बस में नहीं, खाने बस में भी है। और ये देखिए, मैं इसे थोड़ा थोड़ा सा डेकोरेट कर दूंगी इस तरीके से। ये तो आपके ऊपर डिपेंड है ना कि आप इसे कैसा डेकोरेट करना चाहते हैं। तो बस मैं थोड़े थोड़े से इस पिंक कलर के पिक्सेल से अच्छे तरीके से इसे डेकोरेट कर लेती हूँ, ताकि हमारी मिठाइयाँ ना सिर्फ दिखने में बल्कि खाने में भी टेस्टी रहें, दिखने में भी सुंदर रहें। क्योंकि दिवाली की मिठाइयाँ है ना, और घर पे बनी हुई मिठाइयों की तो बात ही निराली है फ्रेंड्स। तो आप इस रेसिपी को जरूर से ट्राई कीजिए, और अगर आपको मेरी ये रेसिपी यानी ये चॉकलेट बर्फी की रेसिपी पसंद आई हो, तो प्लीज जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल विदान किचन इंदौर को जरूर से सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि आने वाली मेरी लेटेस्ट रेसिपीज की वीडियो आप तक पहुंचे। तो इस दिवाली एंजॉय कीजिए इस खूबसूरत सी मिठाई को अपनी फैमिली के साथ। आपको वेरी वेरी हैप्पी दिवाली।